बहनों की बनी राखी से सजेगी भाइयों की कलाइयाँ। बहनों के हाथों से बनी राखी बाजार पर हावी हो रही है। चाइनीज नहीं स्वदेशी रंग में रंगेगा राखी का त्यौहार। घर घर चल रही है ये तैयारियाँ। भाई बहन के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर भी बाजार में कोरोना का साया पड़ गया है। बाजारों में पहुंची राखियों को खरीदने के लिए बहनों ने इस बार बड़ी संख्या में परहेज किया है। कोरोना वायरस ने बहनों को बाजारों से दूर किया है, लेकिन उन्हें रक्षाबंधन के पर्व के लिए पुराने दिनों की तर्ज पर घर पर ही रहकर भाइयों के लिए राखी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बड़वानी की जेमन परिवार की बहनें खुद भाइयों की कलाई के लिए आकर्षक राखियां तैयार कर रही है। रक्षाबंधन के पर्व में एक ही दिन शेष रह गया है, लेकिन बाजारों की हालत अभी खस्ता है। अब शनिवार को रविवार को लॉकडाउन के कारण बाजार बंद रहेगा। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। मेरा मोना शर्मा है, मैं बड़वा से आई हूँ। यहाँ पर बड़वानी में भाई के यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से राखियाँ मिल नहीं पा रही थी, तो हमने सोचा कि घर पर ही बनाया जाए और रखा जाए सबका भाइयों का बंधन। किस तरीके से राखी बनाई आपको? राखी हमने ऊन से बनाई है, ऊन और घर पर ही मोती वगैरह जो जो सामान था उसों से राखी बनाई है। कोई संदेश देना चाहते हो? संदेश यही है बस कि घर पर रहो, कोरोना से बचो, घर पर रहो बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल पाठक है, मैं रतलाम से आई हूँ। कब आए हो, क्या लेना है वो बड़वानी? मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ बड़वानी में, लॉकडाउन होने के पहले। और घर पे ही मैंने सारी राखियाँ बनाई हैं, क्योंकि मैं ख़रीदी नहीं कर पाई हूँ, तो मार्केट से मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं है। मैं सारी राखियाँ मैंने घर पर बनाई हैं। क्या कारण रहा कि खरीद नहीं कर पाया आप लोग? अभी कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए मैंने राखियाँ ख़रीदी नहीं है मार्केट से। मैंने सोचा कि घर में ज़्यादा अच्छा सेफ्टी रहेगी, इसलिए मैंने घर पर राखियाँ बनाई हैं ये सभी। क्या कहूँगा कोरोना महामारी को लेकर, कोई संदेश देना चाहते हैं? अगर आप घर में ही राखियाँ बनाएं तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगी और इस संक्रमण से आप बचे रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।